आगे। धनबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय के बीच ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। शुरू में LHB कोच वाली 18 जोड़ी ट्रेनों को बड़ी रफ्तार से चलाया जाएगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से दौड़ती थी और पिछले महीने रेलवे ने धनबाद और मुगलसराय के बीच ट्रेनों को बड़ी रफ्तार से चलाकर ट्रायल भी किया था। इसकी सफलता के बाद अब 18 ट्रेनों की गति बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों की गति बढ़ जाने के बाद धनबाद से मुगलसराय पहुंचने में यात्रियों का काफी समय बचेगा। ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए ट्रेन में लगे स्पीड ब्रेकर्स को हटाया गया है और कई अन्य तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं और इसके बाद 12 अक्टूबर को DDUJ से धनबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर स्पीड ट्रायल किया गया था और इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भी भेजी गई थी, जहां से अब स्वीकृति मिल गई है और अब यहां पर गति बढ़ाना तय हुआ है।